जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इजी ट्री प्लांट्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन करने के पीछे की मुख्य वजह है यह गिरावट। एक दिन में तकरीबन 4.5% की आज गिरावट देखने को मिली है। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ये गिरावट टेम्पोरी है या सस्टेनेबल है, यानी कि ये जो गिरावट हो रहा है कुछ दिनों तो लगातार गिरावट होते रहेगा, और यदि ऐसा होता है तो किस वजह से ये गिरावट हो रही है। दूसरी बात यह भी समझेंगे कि ये जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर का भविष्य कैसा है। ओवरऑल ये जो स्टॉक है, स्टॉक में पैसा लगाना कैसा रहेगा, इसको मैं आसान भाषा में इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हमसे अगर शुरुआत शुरू से करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंपनी के काम को डिस्कस करेंगे, फिर कंपनी के फंडामेंटल, और बाद में जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है ये गिरावट टेम्पोरी है या सस्टेनेबल है। तो चलिए शुरुआत काम से करते हैं। आपको मैं काम के बारे में बताऊं तो जो कंपनी है टूर्स एंड ट्रेवल के सेक्टर में कंपनी काम करती है। कम पैकेज में एक बेहतरीन टूर प्लानिंग करके स्टॉक आपको देती है, जिस वजह से इस कंपनी के नाम में प्लानर्स लगा हुआ है, यानी कि प्लानिंग करती है आपके टूर के लिए। जब आप इस कंपनी का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो नाम है इजी माई ट्रिप के नाम से एप्लीकेशन आता है। शॉर्ट कट में इस कंपनी को लोग इजी माई ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। और जब आप इस कंपनी का एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको पता चलता है तो एप्लीकेशन से आप एयरलाइंस की टिकट, होटल्स, रेल एंड बस की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, तो एक साथ अनेकों काम कर सकते हैं। ये कंपनी सिर्फ आपको टूर की पैकेजिंग करके ही और टूर 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 की प्लानिंग करके नहीं देती है, इसके एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक बात बताऊँ आपको, तो जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसने जो टूर्स एंड ट्रेवल सेक्टर की कंपनियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अपने इमरजेंसी फंड से कुछ इनको लिए अलग से फंड बनाया है, जिसमें यदि इस तरह की कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे इजीली लोन ले सकते हैं, ताकि जो हमारे देश की टूर्स की इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दिया सके। इजी ट्रिप प्लांट्स लिमिटेड ये इस सेक्टर की इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो कोरोना के टाइम में भी प्रॉफिटेबल कंपनी थी। तो ये तो हो गई काम की बात, और फंडामेंटल समझे तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। स्टॉक का P/50 के आसपास है, ठीक है, और शेयर प्राइस देखेंगे तो 46 रुपये के आसपास है। अब देखिए वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का प्राइस भी ठीक है, बुक वैल्यू से भी शेयर प्राइस ज़्यादा है, यह भी बहुत बढ़िया बात। और सबसे कमाल की जो बात है इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ROC है यह भी देखेंगे तो 40-50% के आसपास, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी सालों में 40% रिटर्न निकालकर देने का दमखम रखती है। मार्च 2021 में कंपनी का IPO आया था, उसके बाद से शानदार रिटर्न निकालकर इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को दिया है, और तब से लगातार रिटर्न बना के दिए जा रहा है ये स्टॉक। और चूंकि अब इस जाके लोगों के नज़र में स्टॉक आया है, जाकर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो रॉकेट बनते हुए आपको दिखेगा, और ये जो गिरावट आपको देखने को मिला है, चलिए अब इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम लोग आ गए हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और यहाँ टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक W टाइप का फॉर्मेशन हुआ। आप सभी जानते हैं जब भी चार्ट पर W का फॉर्मेशन होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, इस वजह से भी प्राइस ऊपर गया, और काफ़ी दिनों से प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ था। यहाँ पे जैसे मैं इस लेवल को ड्रॉ करूँ, 40 रुपये के लेवल को स्टॉक क्रॉस नहीं कर रहा था, 40 रुपये के लेवल का जब ब्रेक आउट हुआ तो उसके बाद प्राइस ऊपर जाना था इजिली। ये जो इसके लिए रेजिस्टेंस था 44 रुपये, इसको ब्रेक कर लिया, प्राइस ऊपर गया थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 52 रुपये के करीब। तो अपने रेजिस्टेंस के पास जब भी किसी स्टॉक का प्राइस आता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करके नीचे आ रहा है, कोई बहुत बड़ी घबराने वाली इसमें बात नहीं है। यदि इसी को मैं 3 साल के चार्ट पर दिखाऊँ तो आप इजीली समझेंगे कि ये जो आप देखेंगे इसके लिए एक रेजिस्टेंस है जिसमें बताया 50 रुपये से 52 रुपये के बीच में, तो जाहिर सी बात है जब अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो वहाँ प्राइस थोड़ा सा रजिस्टर करके नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत नीचे आया तो 40 रुपये के नीचे आ सकते, 40 रुपये तक आ सकते, और 40 रुपये तक आने के बाद फिर स्टॉक का प्राइस उठेगा यहाँ से, और उठ के फिर प्राइस ऊपर जाएगा, तो इजीली आपको कम से कम ये 60-70 रुपये तक आपको जाते हुए दिखेगा। मैं अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, लंबी अवधि की यदि न्यूज है तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, तो इसलिए इसको घबराना नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ एज ए प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे लाना है। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आ रहा है, ये एक टेम्पोरी ग्राउट है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी का सेल्स, जब से कंपनी का IPO लिस्ट हुआ, मार्केट में लिस्ट हुआ, तब से लगातार कंपनी का ग्रो ही कर रहा है, सेल्स लगातार बढ़ ही रहा है, और सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का लगातार बढ़ ही रहा है। तो इससे ये पता लगता है कंपनी का फंडामेंटल भी मजबूत हो रहा है, प्लस जो कंपनी काम करती है उसके बारे में मैंने बता ही दिया कि इसके बेसिस पे चूंकि गवर्नमेंट का भी साथ मिल रहा है तो लंबी अवधि में ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में चूंकि ये जो स्टॉक लीडिंग कंपनी है तो इसके शेयर प्राइस में तेजी रहेगी ही रहेगी। गिरावट से घबराना नहीं है, आप एवरेजिंग कीजिए, जितना नीचे आते इस स्टॉक उठा सकते हैं, जो भी कीजिएगा अपने रिसर्च के बदौलत कीजिएगा, मेरे कहने पर सिर्फ पैसा मत लगा दीजिएगा। मैंने ये एनालिसिस दिया कि स्टॉक कैसा है, लंबी अवधि में निवेश के लिए इसमें पैसा लगाना कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों जगह बात हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।